हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप सब लोग? आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो गाइस, अब आगे आज हम आपको बता रहे हैं कोई खुशखबरी। तो बताओ भाई, आप बताओ कि मैं बताऊं? कोई भी बता दो खुशखबरी। देखो, ये है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि मेरा भाई रजत रावत, यानी कि इनका सुपुत्र रजत रावत ने, वैसे तो आप सब जानते हैं कि भाई पावर लिफ्टिंग जो गेम है वो खेलता है, पावर लिफ्टिंग करता है, और उसने दिल्ली स्टेट लेवल पे भी 2 बार गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद नेशनल पे भी दिल्ली को रिप्रेजेंट किया, गोल्ड मेडल जीता। और गोल्ड मेडल ही नहीं, यहाँ तक कि स्ट्रॉन्गेस्ट पावर लिफ्टर ऑल ओवर इंडिया में जो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर लिफ्टर है उसका उसे एक खिताब में मिला, और इतनी खुशी की बात थी उस टाइम हमारे लिए। उसके बाद नेशनल के बाद जो होते हैं एशियन गेम्स होते हैं, तो भाई ने बोला कि पता नहीं भाई के दिमाग में कैसे आया कि अब की बार मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो हमने बोला भाई अब नेशनल हो गए तो आगे एशियंस के लिए जा सकते हैं, पर भाई ने कहा नहीं, दिल्ली से क्यों मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ, मैं उत्तराखंड से रिप्रेजेंट करता हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। हमने कहा ठीक है भाई। तो दिल्ली से तो 2 बार गोल्ड मेडल जीता, तो फिर उसने बोला मैं अपने उत्तराखंड से भी खेलना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम उत्तराखंड के हैं तो अपने देवभूमि को भी थोड़ा अपना भाई नाम दे। तो इसीलिए अब की बार भाई ने सोचा कि मैं उत्तराखंड स्टेट से खेलता हूँ और देखते कैसे रहता है। अब की बार उसको था कि मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ जहाँ की मेरी देवभूमि, जहाँ से मतलब हम बिलोंग करते हैं। हमने कहा ठीक है भाई। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड पावर लिफ्टिंग का टूर्नामेंट हुआ था स्टेट लेवल पे, और तो ये टूर्नामेंट हुआ था काशीपुर में। और तो गाइस, खुशी की बात ये है कि भाई ने फिर से गोल्ड मेडल जीत लिया है उत्तराखंड स्टेट में पावर लिफ्टिंग के गेम में। रिकॉर्ड भी तोड़ा, जो रिकॉर्ड था जो पहले के किसी पावर लिफ्टर ने बनाया होगा वो भी तोड़ा। तो हमें बहुत खुशी हुई है जानकर, और आप सब लोगों का आशीर्वाद हम पे ऐसी बना रहे। और हम अब वो नेशनल खेलेगा फिर, और उसके बाद तब एशियन गेमों में जाएगा, और आप लोगों की कृपा हो तो वहाँ भी गोल्ड लाए और अपने देश का भी नाम करे। और हमें तो यही उम्मीद है कि भाई अगर इसमें उसकी इच्छा है तो इसमें भी आगे बढ़े। तो गाइस, देखते हैं, आप लोग भी आशीर्वाद दें। और अभी इस वीडियो की थोड़ा सा मतलब बाद में मैं कुछ क्लिप्स भी ऐड करूँगी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि भाई ने कैसे कैसे वहाँ पे पावर लिफ्टिंग करी है। और घर पे भी जब वो आया थे सब कितने खुश हो गए। मैं यहाँ पे नहीं थी उस टाइम, मैं किसी काम से दीदी के साथ गई थी अपने, तो मम्मी पापा थे। तो देख सकते हैं आप कि इसके बाद में वहाँ पे अपलोड करूँगी। तो गाइस देखो, यही होता है कि जब बच्चा कुछ करने लगता है तभी माँ बाप को उस पर चलता है पता है कि हाँ भाई कुछ कर रहा है। तो जब वो अपने कॉलेज टाइम में था, ऐसे जिम जाता था, वेट मारता था, मम्मी बोलती क्या करता रहता तो वहाँ वेट ही मारता, टाइम से नहीं घर आ सकता, ये है वो है, और उस टाइम सब सुनाते थे उसको है। अब जब वो मेडल आने लग गया है, उसने अपना खुद के दम पे उसने अपनी पूरी प्रॉपर पावर लिफ्टिंग अकेडमी खड़ी कर दी है यहाँ, तब जाके इनको लगता है कि हाँ चलो भाई कुछ कर रहा है। अब जॉब के साथ साथ ये काम भी कर रहा है अपना, अपनी लाइफ भी सेटल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो अब इनको यकीन हो गया है। यही होता है कि बच्चे जो शुरुआत में, अभी मैं सबको कहना चाहूँगी जो भी ये अभी जो जनरेशन आ रही है, जो भी ये काम में है, किसी भी अपनी किसी भी आप प्लेटफॉर्म में लगे हुए हो, फैमिली स्टार्टिंग में आपको सपोर्ट नहीं करती है, बिल्कुल मान सकती हूँ मैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपना दिखाते हो ना कि आप क्या कर रहे हो उस फील्ड में, फिर उनको भी लगता है कि हाँ भाई हमें सपोर्ट करना चाहिए, बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वही है कि हमारे घर में अब जब भाई के गोल्ड आने लग गए हैं, जगह जगह रजत रजत सब कुछ सब ऐसे नाम वो हो गया है, तो अब मम्मी को लगता है कि हाँ भाई हमारा बेटा भी कुछ कर रहा है, तो अब ये बहुत खुश हो रखे हैं। ना खुश भी हैं, लेकिन गाइस ये होता है ना, जब वो करता उस समय वो कॉलेज कर रहा था, बीटेक कर रहा था, वो इंजीनियर है। अब जॉब के साथ साथ अपने बलबूते पे पावर लिफ्टिंग की कोचिंग भी खोल ली है, अकेडमी खोल ली है, अपने आप खुद सिखाता है बच्चों को, अपने आप भी अपने खेल का अपने। और मम्मी पापा को सरप्राइज दिया उसे जब पूरा प्रॉपर अकेडमी खुल गई थी, उसके बाद बताया कि भाई मैंने अकेडमी खोली आ जाओ, तो जब इन लोगों ने देखा इन्हें ऐसे हुई हाँ सही में इसने खोला ही, मतलब अपने बच्चे सबको नालायक लगते हैं, पर जब बाहर जाके देखते हैं तभी को पता चलता है कि बच्चे कितने लायक हैं। तो ऐसा होता है हर माँ बाप के साथ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है जॉब के। तो भाई अपना जॉब भी करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एचसीएल कंपनी में, और साथ ही साथ अपना पावर लिफ्टिंग जो उसका गेम है, जो वो कभी छोड़ना नहीं चाहता लाइफ में, वो उसका पैशन है। काम अलग जगह है और पैशन अलग जगह है। जो कितना मना किया उसको, नहीं करना नहीं करना, फिर भी उसने कहा मैं करूंगा।
तो ये होता है कि भाई जो उसने 5-6 साल जो अपने पढ़ाई करी कॉलेज में, उसने वो भी नहीं छोड़ा, वहाँ अपना काम कर रहा है, पर साथ ही साथ उसका पैशन था शुरू से कि नहीं वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग सब कुछ करना है, तो वो उसने वहाँ भी अपना प्रॉपर फोकस दिया। तो एक इंस्पिरेशन है भाई आज के युवा लोगों के लिए, जो भी अपने स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, या थोड़ा सा कम हो जाते फिर बीच में उनको लगता है कि नहीं और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने, तो उनके बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है भाई। और अब मैं कुछ क्लिप्स डालूंगी, आप वो देखना कैसी कैसी हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे भाई का भी यूट्यूब चैनल है, तो अभी भाई भी यूट्यूब चैनल पे अपनी प्रॉपर वीडियो जो है वहाँ कैसे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे गेम्स हुए, किसने कितना वेट मारा, भाई का जब वेट हुआ, मतलब जब भाई ने वेट मारा तो क्या सब लोगों से हूटिंग कर रहे थे, और फिर गोल्ड मेडल जब दिया, तो ये सब कितना वेट मारा कि सब वो दिखाएगा अपने वीडियो में, क्योंकि अभी इतना हमें क्लियर नहीं हो रहा, अब उस पर इतना टाइम भी नहीं है, अब वो जॉब जा रहा है अभी, फिर आएगा फिर शाम को वहाँ एकेडमी में जाएगा, फिर रात को अपना वीडियो अपलोड, टाइम मिलेगा तो करेगा, टाइम नहीं है उसके पास बिल्कुल, लेकिन वीडियो डालेगा जरूर अपना, तो हम उसके वीडियो का नाम बताना। तो बच्चा मेहनत पूरी कर रहा है, तो अभी आपका टाइम है, आप सपोर्ट करिए उसको। और मैं आपको बताती हूँ भाई के यूट्यूब चैनल का नाम है रजत रावत लिफ्ट, और उस पर जाके आप फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और भाई की वीडियो जल्द आने वाली है, आप वो देख सकते हैं, और भाई का इंस्टाग्राम चैनल भी है, तो वो भी मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पर भी जाके भाई को फॉलो कर सकते हो, और अपना ढेर सारा प्यार हमें ऐसे देते रहे। आज ये छोटी वीडियो बन रही है हमारी, हम इसी खुशी में आपके लिए भी ये खुशी दे रहे हैं, जो हमें खुशी मिली वो खुशी आपसे शेयर कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अपने देश के लिए खेले और देश का नाम रोशन करें और देश का नाम हो, और अब आगे देखते हैं वो क्या कर रहा है, अभी नेशनल खेलेगा, उसके बाद अपने देश के लिए खेलेगा एशियन गेम, तो सब अपनी दुआएं आशीर्वाद देना उसको कि वो गोल्ड लाए और अपने देश का नाम रोशन करे। तो जय हिंद जय भारत, आज की वीडियो इतनी है, तो गाइस खुशी की बात तो इतनी भी बहुत बड़ी हो जाती है। थैंक यू सो मच, तो वीडियो में बने रहें श्री श्रीरात फैमिली ब्लॉग, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और ढेर सारा प्यार दें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। हाँ भाई, मेडल मम्मी को, ये पावर लिफ्टिंग का मेडल है, कंपटीशन जीत के आया हूं उत्तराखंड से। उत्तराखंड ये सेम मेडल पिताजी को पहना था, उत्तराखंड स्टेट से। ठीक है, ये डैडी बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, चलो चलो चलो। तो गाइस नमस्ते, प्रणाम, कैसे आप सब लोग, आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। मेरा बच्चा ये उत्तराखंड स्टेट से गोल्ड जीत के आया है, किसमें आए आप? पावर लिफ्टिंग में, 105 कैटेगरी सीनियर नेशनल, उत्तराखंड स्टेट का था कंपटीशन। अब 3 हफ्ते बाद नेशनल, 3 हफ्ते बाद नेशनल चैंपियनशिप है हैदराबाद में, वहाँ जाके खेलना है। अभी स्टेट हो चुका है कम्प्लीट, अब नेशनल की बारी है, वहाँ भी गोल्ड लाएंगे। अभी गोल्ड आना चाहिए और भगवान जरूर गोल्ड दिलाएगा आपको। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री जय हो, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।